दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां हम मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफ़ी सारे वीडियोस लेकर आते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आइए दोस्तों, आज का जो वीडियो लेकर आए हैं और बहुत ही एक कमाल का वीडियो है दोस्तों, आप लोगों को बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। वर्ड आप सभी लोग इस्तेमाल करते होंगे ऑफिस का, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये जो है ट्रिक मैं आपको आज बताने वाला हूँ दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा आपके काम आएगी। आपको करना क्या है, आप इसको ध्यान से देखते जाइए दोस्तों। आप जब यहाँ पर कुछ लिख रहे होते हैं, मान लीजिए मुझे लिखना है और मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे ही मैं दोस्तों यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन सेलेक्ट करूँगा, ये सेलेक्ट हो गया है। अब मैं यहाँ पर लिखना शुरू कर देता हूँ, ये मैं नाम लिख रहा हूँ दोस्तों। और सडनली मान लीजिए अब मुझे यहाँ पे कुछ हिंदी में लिखना है, तो मैं यहाँ जाऊँगा और यहाँ जाने के बाद मैं इसको हिंदी सेलेक्ट करूँगा, और जैसे हिंदी सेलेक्ट करूँगा इसके बाद ये हिंदी हो जाएगा और अब हम जो लिखेंगे वो यहाँ पर इस तरीके से हिंदी में दिखने लगेगा दोस्तों। तो बार बार करना क्या पड़ता है, हमें यहाँ आकर और ये फॉन्ट्स को जो है सेलेक्ट करना पड़ता है। अब मान लीजिए दोस्तों, ज़्यादातर ये दो फॉन्ट आप चलाते हैं, टाइम्स न्यू रोमन और ये जो हिंदी कृति देव है। मैं इसका एक ऐसा शॉर्टकट की आज आपको बनाकर दिखा दूंगा, आप भी इसको कीजिएगा और आपको देखिएगा ये कितना आसान हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि मेरे पास ये दोनों की बनी हुई है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, मान लीजिए अभी ये यहाँ पर टाइम्स न्यू रोमन है, तो मैं जैसे ही ऑल्ट प्लस टू दबाऊंगा तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपका ध्यान होना चाहिए, ये कृतिदेव हिंदी में हो गया है, अब हिंदी में टाइप होने लगा है। और अब जैसे ही मैं ऑल्ट प्लस वन दबाऊंगा दोस्तों, ये देखिए ये इंग्लिश में हो गया है और अब ये इंग्लिश में टाइप होने लगा है। तो ये शॉर्टकट की मैंने कैसे बनाई मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आपको करना क्या है दोस्तों, यहाँ चलना है फाइल्स के बाद ऑप्शंस पर आना है आपको। जैसे ही आप ऑप्शंस पर आएंगे दोस्तों, यहाँ पर बहुत बड़ी कहानी निकल कर आ जाती है वर्ड की। हमें चलना है दोस्तों यहाँ से कस्टमाइज रिबन पर। रिबन पर आने के बाद आप फॉन्ट देखिए, क्योंकि हमें फॉन्ट के साथ ही कुछ करना है, तो हम यहाँ कस्टमाइज करेंगे फॉन्ट को। अब टैब की कैटेगरी मांग रहा है, तो यहाँ नीचे आ जाइए और यहाँ पर फॉन्ट्स पर क्लिक कीजिए। ये जितने भी फॉन्ट आपके हैं यहाँ पर, ये सब आ गए हैं दोस्तों, क्योंकि मैंने टाइम्स न्यू रोमन का और कृतिदेव का बना लिया है, तो मैं आपको दो दूसरे फॉन्ट्स का बनाकर दिखा देता हूं। मैं आपको यहां पर एरियल ब्लैक, ये आप जो देख रहे हैं, और यहां पर एरियल यूनिकोड एमएस, इन दोनों का दिखा देता हूं। आप एरियल ब्लैक पर आइए और यहां आने के बाद प्रेस न्यू शॉर्टकट की, यहाँ क्लिक कीजिए और शॉर्टकट की बना दीजिए। मैंने बना दीजिए, मान लीजिए लेट से ऑल्ट प्लस थ्री, ये ऑल्ट प्लस थ्री बन गई है। मैं एरियल ब्लैक को असाइन कर रहा हूँ, ये मैंने असाइन कर दिया है। नेक्स्ट मैं एरियल यूनिकोड एमएस पर आता हूं और मैं यहां पर लिख देता हूं लेट से अल्ट एफ फोर, ये अल्ट एफ फोर आ गया है और मैंने इसको भी यहां पर असाइन कर दिया है। मैं यहां से क्लोज कर देता हूं, इसको ओके कर देता हूं। अब आप आइए दोस्तों, अब देखिए हम यहां पर अभी देख रहे हैं कृतिदेव लिखा हुआ है। मैं आपको टाइम्स न्यू रोमन से लेकर चल के दिखाता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखना शुरू करता हूँ और अब सडनली मुझे इसको हिंदी में लिखना है दोस्तों, तो मैं यहाँ पर मैंने जो असाइन किया था अल्ट एफ फोर, अब आप देखेंगे इसको ध्यान से, ये देखिए ये यहाँ पर एरियल ब्लैक मैंने जो है सेलेक्ट किया था, आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। और इस तरीके से अब मैं जब लिखना शुरू करूँगा तो ये एरियल ब्लैक में जो है यहाँ पे आना शुरू हो गया है दोस्तों। इसी के साथ मैं ऑल्ट ए टू दिखा देता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पर ये हिंदी में लिखना शुरू हो गया है। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी ट्रिक है और बहुत ही अच्छे तरीके से आप जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपके काम आ सकती है। आपको करना क्या है मैं एक बार और आपको लेकर चलता हूँ। फाइल पर आइए, ऑप्शन पर आइए, कस्टमाइज रिबन पर आइए, फॉन्ट पर आइए, इसके बाद कस्टमाइज कीजिए। जैसे ही कस्टमाइज करेंगे कैटेगरी सेलेक्ट कीजिए, फॉन्ट्स पर आप देखेंगे दोस्तों, तो हम यहाँ देख रहे हैं हमने यहाँ पर इसमें एरियल यूनिकोड एमएस में ऑल्ट एफ फोर कर दिया है। आप इसको जो है असाइन कर सकते हैं और मैं यहाँ पर इसको मान दीजिए ऑल्ट एफ फोर असाइन कर देता हूँ, तो ये F4 यहाँ पर असाइन हो गया है। ये दोनों शॉर्टकट की इसके बन गए हैं। आप जो है दोस्तों यहाँ से इस वाले को रिमूव कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे कभी शॉर्टकट की को चेंज करना है, मान लीजिए मुझे कंट्रोल F4 करना है, तो मैं कंट्रोल 4 कर देता हूँ, ये कंट्रोल 4 आने पर असाइन हो गया है, और ऑल्ट F4 को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अगर आपको लगता है कि ये सब कुछ हॉस्पॉच हो गया है, तो आप यहाँ से रिसेट कर सकते हैं, तो ये रिसेट हो जाएगा। अब ये कंट्रोल F4 हो गया है, हम यहाँ से इसको क्लोज करते हैं, ओके कर देते हैं दोस्तों। और अब आप जैसे ही कंट्रोल F4 प्रेस करेंगे, तो ये देखिए हिंदी फॉन्ट में आपको जो है यहाँ पर
आपका नाम दिखने लगेगा दोस्तों, जो भी एमएस कोड, क्योंकि मेरे में अभी ये रन नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर शॉर्टकट की बना सकते हैं, और शॉर्टकट की बनाने के बाद आप आसानी के साथ जो है यहाँ पर अपने फॉन्ट्स को चेंज कर सकते हैं इन शॉर्टकट की मदद से। ये बहुत ज़्यादा आपके दोस्तों जो है काम आने वाले हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो, ये ट्रिक पसंद आई होगी। इसको शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। आप जितना ज़्यादा इसका काम करते हैं उतना ज़्यादा ये आपका समय बचाएगा दोस्तों, ये ट्रिक। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। थैंक यू।